भूखों को लेकर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने विवादित टिप्पणी की। दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीयों का मजाक उड़ाया, जिस पर अब सियासत तेज है। बीजेपी जहां जेडीयू और आरजेडी नेताओं से सवाल पूछ रही है, वहीं इसे लेकर सत्ताधारी पक्ष ने भी नाराजगी जाहिर की। लोकसभा चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन देश की सियासत में विवादित बयानों की बाढ़ जैसे आ गई है। खासकर INDIA से जुड़े दक्षिण भारत के नेता अजीब अजीब बयान दे रहे हैं। रामचरितमानस और फिर सनातन पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद डीएमके के एक दूसरे सांसद ने यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोगों पर विवादित टिप्पणी की है। ये सांसद है दयानिधि मारन। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि यूपी और बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में सड़कें और शौचालय साफ करते हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वे तमिल भाषा में बिहार और यूपी के हिंदी भाषी लोगों को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। डीएमके सांसद के विवादित टिप्पणी के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर आपत्ति जताई है। गिरिराज सिंह ने दयानिधि मारन के वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को घेरा है। गिरिराज ने लिखा है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव हिंदी भाषी लोगों पर अपने गठबंधन के सहयोगी की राय से सहमत हैं? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि डीएमके और इंडी गठबंधन को हिंदी भाषी बिहारी भाइयों और बहनों से इतनी नफरत क्यों है। दयानिधि मारन के बयान पर जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने भी आपत्ति जताई है और उन्हें संभल कर बोलने की नसीहत दी है। प्रतिकार करना हमें भी आता है, लोगों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। माफी मांगनी होगी, वरना विरोध करने के बहुत तरीके हैं। अनावश्यक विवाद बढ़ाने वाले बयान से किसी भी दृष्टिकोण से जो इस तरह की बातें करते हैं उनको उपयुक्त नहीं माना जा सकता। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी को इस बयान में कहीं कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिख रही। देखिए, इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए कि बिहार में गरीबी बहुत है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, तो हम बड़े पैमाने पर मजदूरों की सप्लाई करते हैं। अगर ये बात कोई कह रहा है तो बुरा क्या मानना है। इंडी अलायंस से जुड़े दक्षिण भारत के नेता बार बार सनातन और हिंदी भाषियों पर निशाना साध रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके बयानों का खामियाजा हिंदी पट्टी के राज्यों में विपक्षी गठबंधन की पार्टियों को उठाना पड़े। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।